नमस्कार, मैं डॉक्टर भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं अब लाइव हूँ, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, जो भी आपके क्वेश्चन हैं मैं उसका आंसर करूँगा, और साथ ही साथ जो मेरे पास प्रीवियस मेल पड़े हुए हैं, ई मेल पर जो मेरे पास क्वेश्चन हैं उसकी बात कर लेते हैं द प्रेजेंट टाइम, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, माई रैंक इज 1627, क्या चांसेस है सर कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, आई बिलोंग टू जनरल कैटेगरी। देखिए, अगर आपका रैंक 400 के बाहर है, मतलब आपकी रैंक 400 से ज़्यादा है और अगर आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा ऑल इंडिया से। अगर आप बात करेंगे स्टेट की, मतलब जिस स्टेट से आपने BDS किया वो, या जहाँ का आपके पास डोमिसाइल है, तो स्टेट में चांसेस होते हैं अप टू 500 रैंक, 600 रैंक मिल जाता है। वो भी डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पे कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। लगभग ऐसा नहीं होता है। इंटरनल कोटा अगर आपके पास है तभी पॉसिबल है, जैसे BHU का इंटरनल कोटा हो गया, AMU का इंटरनल कोटा है, वहाँ पर आपके पास पॉसिबिलिटी फुल है कि आपकी रैंक अगर बहुत पीछे भी है तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। बट इन केस ऑफ ऑल इंडिया रैंकिंग की, अगर आप ऑल इंडिया के लिए सोच रहे हैं, तो बिल्कुल चांस नहीं है। ऑल इंडिया में 1600 रैंक पर जनरल कैटेगरी कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ना ही क्लिनिकल पॉसिबल है, ना ही नॉन क्लिनिकल पॉसिबल है, किसी भी कंडीशन में आपको नहीं मिल सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आ गया है, सर ओरल सर्जरी इन TMU इट्स नॉट गुड। आपको करना है आप कर सकते हो, वहाँ पे पेशेंट फ्लो बहुत कम है, दिस इज द मेन इशू। सर व्हाट इज द फी ऑफ सविता फॉर ओरल सर्जरी, स्टैपिन वहाँ पे नहीं है, लेट मी टेल यू। मैं स्टैपिन से कर रहा हूँ नहीं है, क्योंकि अगर आप बात कर रहे हैं कि स्टैपिन 10,000 को आप स्टैपिन बोलते हैं पर मंथ, तो हाँ ठीक है स्टैपिन है, ठीक है। स्टैपिन का मतलब होता है एटलीस्ट 30,000 rupees, 25,000 rupees पर मंथ, उसको स्टैपिन कहते हैं। उससे कम है तो कोई मतलब नहीं है उसका, कोई स्टैपिन वाली बात नहीं है। 21 lakh rupees लास्ट ईयर फीस था पर ईयर सविता का, ओरल सर्जरी का, इस साल 1.5 lakh इंक्रीज हुआ है, तो टोटल आई थिंक 22.5 होगा। तो इट कॉस्ट यू नियरली 65 lakh rupees ओनली ट्यूशन फी फॉर नेक्स्ट 3 years। हॉस्टल चार्जेस 2 lakh rupees पर ईयर, वो भी आपको पे करना है, तो इट गोज अप टू 6 lakh। तो 65 + 6 = 71 lakh rupees सविता का विथ हॉस्टल है। इसके अलावा मिनिमम 5 lakh to 6 lakh rupees जो खर्च है, या 10 lakh आप भी बोल सकते हैं। अब आपके और क्या खर्च हैं, तो जैसे आपको जाने होते हैं बहुत सारे कॉन्फ्रेंस में, आप लिख रहे होते हैं थेसिसिस, आप कर रहे होते हैं वहाँ पर, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपसे आर्टिकल बहुत सारे करवाते हैं, ठीक है। तो वो आर्टिकल वगैरह आप करते हो, उसकी पब्लिशिंग कॉस्ट होती है, ठीक है, डिफरेंट आर्टिकल की। 3 साल में कम से कम 10 आर्टिकल करवा देंगे, एक आर्टिकल की पब्लिशिंग कॉस्ट लगभग $100 होती है। तो आप सोचिए 10 आर्टिकल करवा दिए आपको, वो भी आप पैसे दे रहे हो, थीसिस लिख रहे हो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पेपर प्रेजेंटेशन के लिए आप बाहर जा रहे हो, तो देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। तो अब आप सोच लो कितना आपको लग रहा है कि क्या चांसेस है। गवर्नमेंट में अगर ओरल सर्जरी चाहिए तो अप टू विच रैंक, तो देखिए अगर गवर्नमेंट में आपको सर्जरी चाहिए और आप बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी से, तो अप टू 210 रैंक आपको मिल जाएगा ओरल सर्जरी विदाउट एनी इशू, ठीक है। और अगर आप OBC से हैं तब भी आपको 250-260 तक मिल जाएगा। अगर आप ST SC से बिलोंग करते हैं, SC से, तो आपको मिल जाएगा 1500-1600 रैंक तक ओरल सर्जरी। अगर आप ST से बिलोंग करते हैं 2500 तक मिल जाता है ऑल इंडिया में आपको गवर्नमेंट कॉलेज। नीट MDS 2023 काउंसलिंग कब चालू होगा सर? अच्छा, कब स्टार्ट होगा? अभी तक जो नोटिफिकेशन मेरे पास है या फिर और जो लोग जानते हैं, वो है अगस्त, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले के चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं, ठीक है। बेस्ट प्राइवेट कॉलेज ऑफ फॉर OS इन पंजाब आफ्टर CDC, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद GDC अमृतसर ज्वाइन कर सकते हैं, वो अच्छा कॉलेज है। सर हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ NRI? देखो NRI सीट्स के लिए अगर आप कहीं भी जाते हो, किसी भी कॉलेज में जाते हो NRI सीट के लिए, इट कॉस्ट यू नियरली 20 lakh rupees पर ईयर। इससे कम NRI सीट की कोई है ही नहीं,
ठीक है, मिनिमम 20 लाख टू 25 लाख रुपीज पड़ गया। तो जब भी आप NRI की बात सोच रहे हो तो हमेशा याद रखो 70+ आपकी होनी चाहिए बजट, तभी NRI सीट मिलती है, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो। ठीक है, ऑर्थोडोंटिक्स में PG करना है तो जनरल डेंटिस्ट्री भूल जाऊंगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है यार, जनरल डेंटिस्ट्री कैसे भूल जाओगे यार, आपने साइकिल चलाना बचपन में सीखा था, फिर 10 साल तक साइकिल नहीं चलाते हो तो क्या फिर 10 साल आपको साइकिल चलाने के बाद मेहनत करनी होती है? हाँ, ये हो सकता है परफेक्शन नहीं है आपके काम में, 4-5% करोगे वापस से परफेक्शन आ जाएगा विदाउट एनी इशू। सर फॉर योर अपॉइंटमेंट हाउ मच टाइम एंड क्वेश्चन वी कैन हैव फॉर अपॉइंटमेंट? अच्छा, अपॉइंटमेंट लेकर अगर मुझसे आप ऑन कॉल बात कर रहे हो, कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। ठीक है, एज मच एज क्वेश्चन यू वॉन्ट टू आस्क यू कैन, जितने क्वेश्चन आपके हैं आप पूछ लो। आज तक मेरे अपॉइंटमेंट कॉल पे मुझसे किसी ने भी 45 मिनट से ज़्यादा बात नहीं की है। आपके कितने भी डाउट होंगे, कितने भी क्वेश्चन होंगे, नॉट मोर देन 45 मिनट्स। आपके पास अगर क्वेश्चन हैं 2 घंटे आप बात कर सकते हो, वैलिड होना चाहिए बात करने के लिए क्वेश्चन, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं 2 घंटे तक आपसे बात कर लूँगा। इट्स ऑल डिपेंड कि आपके पास क्वेश्चन क्या क्या हैं, आप क्या मुझसे पूछ रहे हो। तो मैक्सिमम तो 20 मिनट्स में ख़त्म हो जाता है, ठीक है, नॉट मोर देन 20 मिनट्स। अब बस कितने क्वेश्चन होंगे, 10, 15, 20, नॉट मोर देन दैट, 25 मिनट काफ़ी है, बट टाइम की कोई लिमिट नहीं होती है, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। सर, भारतीय विद्यापीठ पुणे फॉर ओरल सर्जरी, इस साल उसकी फीस है 14 लाख रुपीज। रैंक है, एनी चांस इन प्राइवेट कॉलेज फॉर प्रोस्तो जनरल कैटेगरी नॉट इन NRI कोटा? आराम से, अगर आपका 10,000 रैंक तक भी है तो आपको ऑल इंडिया में आराम से मिल जाएगा जनरल कैटेगरी में सीट। ठीक है, NRI में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हेलो सर, आई स्कोर 412 इन MDS, ठीक है, आई हैव गॉट 4909 ऑल इंडिया रैंक। सर प्लीज सजेस्ट अ कॉलेज फॉर ऑर्थोडोंटिक्स अंडर द बजट ऑफ 20 लाख इन एनी स्टेट। देखो, 20 लाख के अंदर के बजट में आ गए हैं आप तो आपको UP आना पड़ेगा, या तो फिर आपको पंजाब जाना पड़ेगा, या तो मध्य प्रदेश, और एवरेज कॉलेज होगा क्योंकि वहाँ रैंक से कोई लेना देना नहीं होता है। फी जैसे आपने कम किया देन कॉलेज आपका एवरेज हो जाएगा, तो आपको ऑर्थो मिल जाएगा, ITS में मिल जाएगा, ठीक है, बाकी बिहारी डेंटल कॉलेज मिल जाएगा यूपी का आपको, KDA डेंटल कॉलेज मिल जाएगा लखनऊ आपको, बाबू बनारसी दास मिल जाएगा आपके बजट में, देयर द गुड कॉलेज, यू कैन गो फॉर दैट। विच स्ट्रीम विल यू ऑप्ट फॉर योरसेल्फ? सर मैं खुद के लिए, अब मैं खुद के लिए ओरल सर्जरी, अगर मुझे ओरल सर्जरी नहीं मिलता है ड्यू टू एनी रीजन, और वो गवर्नमेंट कॉलेज का होना चाहिए, अगर नहीं मिलता है मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में ओरल सर्जरी, देन आई गो टू प्रोस्तो, तो वो बिल्कुल क्लियर कट शॉर्ट है मेरा, ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ और भी ब्रांच है, या तो मुझे ओरल सर्जरी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज का, मेरे लिए ये नहीं है कि हाँ एम्स दिल्ली ही चाहिए, मौलाना आज़ादी मुझे चाहिए, मुझे मेरी औकात पता है, ठीक है, वो नहीं मिलने वाला मुझे, बट मुझे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए ओरल सर्जरी का, तो जो भी मिल जाएगा मैं ले लूँगा, चाहे वो साउथ का हो, नॉर्थ का हो, ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर मुझे ओरल सर्जरी नहीं मिलेगा देन आई विल गो फॉर प्रोस्तो। OBC कैटेगरी 1300 रैंक, एनी गवर्नमेंट सीट पॉसिबल एनीवेयर? नो, अगर आप गवर्नमेंट से भी जा रहे हैं, मतलब स्टेट से जा रहे हैं तो भी पॉसिबल नहीं है, अगर आप ऑल इंडिया में जा रहे हैं तो भी पॉसिबल नहीं है, अगर आप बिलोंग करते हैं OBC कैटेगरी से तो अप टू 600 रैंक स्टेट में आपको नॉन टेक्निकल ब्रांच मिलता है, ऑल इंडिया में तो वो भी नहीं मिलता है, ठीक है, तो 1300 रैंक पर तो कोई चांस नहीं है, 1300 इज़ नॉट पॉसिबल एनीवेयर, बट ठीक है, ऑल द बेस्ट टू यू, अगर आपको लग रहा है तो मे बी नेक्स्ट टाइम आप कर लीजिएगा, और इस साल अगर लेना चाहते हैं तो आपको फिर प्राइवेट कॉलेज में ही लेना होगा, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस। GDC के लिए, GDC गुड GDC फॉर ऑर्थोडोंटिक्स, और एम डेंटल कॉलेज कलकत्ता चले जाओ, इंडिया का पहला कॉलेज है डेंटल कॉलेज, वहाँ पर फ़ायदा ये है कि अगर आप ले रहे हो मतलब कि ऑर्थो ले रहे हो, आपको फ्री हैंड मिलेगा, अनलिमिटेड पेशेंट, फ्री हैंड, जो करना है वो करो। हाउ मच इज़ द NRI फीस इन UP कॉलेज? UP में NRI सीट है किस कॉलेज में भाई? बहुत मिनिमम ही कॉलेज में है, मुझे नहीं होता किसी कॉलेज में NRI सीट होगा, NRI सीट सिर्फ यूनिवर्सिटी में होता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल्स डेंटल कॉलेज फॉर ओएस, पीपल्स में जाओ, पीपल्स इज अ बेटर ऑप्शन। दादा साहेब ओएस के लिए आई एम नॉट श्योर, ठीक है, बट पीपल्स को मैं जानता हूँ, वो थोड़ा अच्छा है उससे। ओरल सर्जरी इफ वी टेक फॉर प्राइवेट और डिम, इज इट वर्थ इट या फिर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट के लिए ट्राई करना चाहिए? वर्थ इट है, इट्स ऑल डिपेंड कि आप किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो। सर आई एम अनेबल टू स्टडी, व्हाट शुड आई डू, स्टे मोटिवेटेड। देखिए आप ना कभी किसी और से मत कीजिए अपनी तुलना, अगर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं ना तो आप किसी और से तुलना मत कीजिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरी मैं अगर तुलना कर रहा हूँ अपने किसी फ्रेंड के साथ, तो हो सकता है वो एक दिन में 500 क्वेश्चंस कर रहा होगा, एमसीक्यू टिक कर रहा होगा, मैं नहीं कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, आप 100 एमसीक्यू टिक कीजिए, ठीक है, और नेक्स्ट डे कंपटीशन खुद से कीजिए कि मैंने आज 100 किया, कल मैं 110 करूँगा, अगले दिन 120 करूँगा, उसके अगले दिन मैं 130 करूँगा। कभी ये मत सोचो कि किसी और से कंपटीशन करना है। अगर आपको लग रहा है ना बिल्कुल भी आप नहीं पढ़ पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट रिलैक्स, ठीक है, वापस से स्टार्ट करो 100 क्वेश्चन से। 100 क्वेश्चन तो कर पा रहे होगे ना, 100 क्वेश्चन करो सिर्फ, 100, अगले दिन 110, फिर 120, उससे भी नहीं हो पा रहा है आपको लग रहा है, वो भी नहीं हो पा रहा आपसे, देन गो बैक अगेन, 100 क्वेश्चन पूरे वीक में करो, मतलब आज 100 किया, पूरे वीक 100 क्वेश्चन पर डे कर लो, ठीक है, जिस सब्जेक्ट को आपको बिल्कुल कमांड है जिस सब्जेक्ट पे उसी का क्वेश्चन कर लो, अगले वीक से फिर 20 क्वेश्चन इंक्रीज करो। थोड़ा टाइम लगेगा, बट जब आप कह रहे हो आपका मन नहीं लग रहा है तो फिर दिस इज द ओनली ऑप्शन, और कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। पीजी करने के लिए फैकल्टी अच्छा है या नहीं, कैसे पता करूं? देखिए आप सपोज करो आपने कोई कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, प्राइवेट कॉलेज का कोई कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, क्या यही कॉलेज मुझे चाहिए, गवर्नमेंट में चलो नहीं पॉसिबल, यू कैन नॉट नो क्या कौन सा मिलेगा, प्राइवेट में आपने फिक्स कर लिया कहाँ ये कॉलेज मुझे मिल जाएगा मेरे रैंक में, उस कॉलेज को विजिट कर लो, उसके पीजी से बात कर लो, उस कॉलेज को देख लो। आई गॉट 16K, सो आफ्टर रिवाइज कट ऑफ विच कॉलेज शुड आई ट्राई फॉर ऑर्थो एंड प्रोस, तो प्लीज हेल्प। देखो रिवाइज कट ऑफ के बारे में बात अगर कर रहे हो, देन आई विल टेल यू व्हाट्स योर बजट, आपका बजट क्या है, फिर उस पर डिपेंड करेगा। मैनेजमेंट सीट ऑल्सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, देन टॉक टू मी वंस। अगर पैसे की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आपको जॉब लिख रहे हो, ठीक है, आपको लग रहा है आपको पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी चलेगा, ठीक है, कितना भी पैसा चलेगा, देर इज नो इशू, देन टॉक टू मी वंस, क्योंकि फिर NRI कोटा जो सीट होती है वो मैनेजमेंट में कॉलेज ईजिली कन्वर्ट करता है, ठीक है, फिर उस पर बात करेंगे। ऋषिराज डेंटल कॉलेज भोपाल, इंडो के लिए तो देखो आप कॉलेज ले सकते हो, इंडो के लिए वो अच्छा कॉलेज है, देर इज नो इशू। माय सन गॉट 10,230 रैंक, ओके, तो आपका क्वेश्चन क्या है सर? गुड कॉलेज फॉर ऑर्थो इन यूपी, देखो यूपी, एमपी, हरियाणा, एमपी, पंजाब एंड राजस्थान, ठीक है, ऑर्थो के लिए ले रहे हो तो यूपी में लेना है, तो फिर आप प्राइवेट ले लो, सरदार पटेल ले लो लखनऊ का, रामा कानपुर का ले लो, राजस्थान में जा रहे हो तो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी, टिक महात्मा गांधी एंड पैसिफिक, पंजाब में आप जा रहे हो तो CMC ले लो, मध्य प्रदेश में हो तो पीपल्स ले लो, पीपल्स इज रियली गुड, या तो फिर अरविंदो ले लो। ओरल सर्जरी KM शाह डेंटल कॉलेज अच्छा कॉलेज है, नॉट सो बैड, नॉट सो गुड। वी आर फ्रॉम कर्नाटका, इज इट पॉसिबल सीट इन अ प्रोस्थो और इंडो इन कर्नाटका, विच कॉलेज? नो पॉसिबल। अगर आप 10,000 रैंक पर सोच रहे हैं आपको मिले तो बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, एक बार सीट मैट्रिक्स आने दीजिए, ठीक है, तो आपको कैटेगरी सी सीट मिल जाएगी। कैटेगरी सी सीट का मतलब होता है फीस होती है 10 लाख रुपए पर ईयर, वो सीट आपको मिल सकती है, उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं होगी। सर फॉर ऑर्थो देन आर अहमद, ऑर्थो के लिए फिर हाँ आर अहमद ही तो है, आर अहमद तो GDC ही है भैया, गवर्नमेंट कॉलेज ही है, और उसके अलावा कहीं जाना चाहते हो GDC बॉम्बे चले जाओ, वो भी अच्छा है। फिर
सर हैव यू हियर्ड एनी रेसिज्म केसेस इन साउथ? आई हैव हियर इट दैट इट हैपन विद नॉर्थ इंडियंस. नो, ऐसी कोई भी अगर केस है ना, किसी के साथ भी है, मैं ऑल इंडिया में बोल रहा हूँ ये चीज़, अगर है तो आप मुझे बताइए, आई एम विथ यू. फिर हम लोग इसके लिए आवाज़ उठाएंगे, गवर्नमेंट तक जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर तक मैं चला जाऊँगा. लेकिन फिर होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ हो रही है, कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है ना, आई एम विथ यू. मतलब मैं क्या, मेरे साथ जो पूरी फैमिली है, आप जो 20,000 लोग हैं, 20,000 डेंटिस्ट हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, वो सब आपके साथ हैं. फिर अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है ना, लेट मी नो. सर इफ बजट इज 35 लाख, विच कॉलेज टू टुक फॉर आफ्टर रिवाइज कट ऑफ फॉर ऑर्थो और प्रोस्थो? आफ्टर रिवाइज कट ऑफ के बाद डिपेंड करता है सर कि कहाँ कहाँ सीट खाली है, ठीक है. जैसे आफ्टर रिवाइज कट ऑफ के बाद आपको संतोष मिल जाएगा गाजियाबाद का 32 लाख रुपीज में, आपको आफ्टर रिवाइज कट ऑफ मानव रचना मिल जाएगा, ठीक है, प्रोस्थो ऑर्थो दोनों मिल जाएगा. सर टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेज फॉर प्रोस्थो, टॉप 5 गवर्नमेंट फॉर प्रोस्थो, तो फर्स्ट पे मैं रखना चाहूँगा BHU को, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. लेकिन अगर आपकी रैंक क्या है, अगर आप ये बात मुझसे पूछ रहे हैं टॉप 5, तो आपकी रैंक है क्या? फर्स्ट पे है मौलाना, सॉरी BHU, सेकेंड पे मौलाना आजाद को डाल दीजिए आप, थर्ड पे आप डालना चाहते हैं तो एम्स दिल्ली को रख लीजिए, फोर्थ पे डालना चाहते हैं तो AMU है, फिफ्थ पे PGI रोहतक है. सर ओरल सर्जरी ब्रांच रैंक इज 6,000 इन महाराष्ट्र, मिल जाएगा, बट आपका जो इंस्टीट्यूशनल कोटा होता है वही मिलेगा, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट कोटा इन योर स्टेट. सर रिवाइज फी इस साल कॉलेज की आई है क्या? हाँ रिवाइज फीस आ गई है, लगभग जो लास्ट ईयर था ना वही इस साल भी है, सिर्फ समय 50,000 to 1 lakh आप इंक्रीज कर दो खुद से, ठीक है, उतना ही हुआ है और कोई नहीं हुआ है. टॉप 5 डीम्ड प्राइवेट कॉलेज फॉर ऑर्थो, फर्स्ट पे आप डालो मणिपाल, सेकेंड पर है आपका DY पाटिल पुणे वाला जो पुणे में ब्रांच है, थर्ड पे आप डालोगे सविता, फोर्थ पे है आपका भारतीय विद्यापीठ पुणे वाला, ठीक है, सो यू कैन गो देयर. एक क्वेश्चन मेरा छूट गया. सर क्या रैंक इज 8,000 विच कॉलेज फॉर ओरल सर्जरी? 8,000 रैंक है आपका, तो आपको मीनाक्षी अम्मा मिल जाएगा. मीनाक्षी अम्मा नॉट इन फर्स्ट राउंड बट सेकेंड या थर्ड राउंड में मिल जाएगा. सर विल NRI सीट बिकम मैनेजमेंट सीट एट द एंड? यस, वो उसके लिए पहले से बात करनी होती है, उसका एक पूरा प्रोसेस ही अलग होता है और मैक्सिमम कॉलेज ये प्रोसेस फिलफुल करती है. अब ये चीज़ मैं लाइव तो बोल नहीं सकता हूँ कि होता कैसे है, ये क्या है, मतलब इट्स इलीगल टाइप थिंग, कि ऐसा करना तो उनको नहीं चाहिए बट वो कर देते हैं क्योंकि उनके लिए भी मजबूरी हो जाती है. NRI सीट कोई लेता नहीं है, 70 लाख का NRI सीट है, 80 लाख रुपीज़ का NRI सीट है, कोई नहीं ले रहा होता है, उसको मैनेजमेंट में कन्वर्ट करके 45 लाख में वो दे देते हैं. तो देर इज नो इशू, यू कैन टॉक टू मी वंस, ठीक है. एक क्वेश्चन, ये प्राइवेट क्वेश्चंस क्यों भेजते हो, व्हाट इज दिस क्वेश्चन? प्राइवेट क्वेश्चन है, इरिलेवेंट क्वेश्चन है, इरिलेवेंट यार. भाई गर्लफ्रेंड हो गई ना, तुम जो लिख रहे हो ना, ठीक है, बताओ यार कहाँ है यार, मुझे भी मिलवा दो, मैं भी खुश हो जाऊँगा और तुम्हें भी खुश कर दूंगा, मैं जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा. भाई लिखे हो ना आपकी गर्लफ्रेंड बड़ी क्यूट सी है, तो भाई कौन है उससे मिलवा दो, भाई सही बता रहा हूँ, दिल खुश हो जाएगा मेरा. बस मतलब कब मिलवा रहे हो यार, बस इतना बता दो यार, जो भी हो ना DM कर दो. मैं, मेरी टीम अगर मुझे देख रही है अभी, तो भाई ये भाई साहब का जैसे मैसेज आए ना कि कौन सी है और कितनी क्यूट है वो, तुरंत मुझे बताना भाई, मैं फ्री में अपॉइंटमेंट भी दूंगा तुम्हें, ठीक है, एवरीथिंग इज फ्री फॉर यू, बस बता भाई कहाँ है वो. कुछ भी लिखते हैं लोग. सर हाउ स्कोप आफ्टर MDS इन ओरल सर्जरी, इज इट वर्थ इट टू डू फ्रॉम प्राइवेट कॉलेज? देखो ये डिपेंड आप पे करता है, ठीक है, वर्थ इट है या नहीं है, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू कि आप फ्यूचर में क्या सोच रखे हैं, आपको क्या करना है. आपने कोई टायरोन सिटी में क्लिनिक ओपन करना है, या फिर आप JR के लिए सोच रहे हैं, सॉरी SR के लिए सोच रहे हैं, लेक्चरर के लिए सोच रहे हैं, क्या आप आगे क्या करना चाह रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है, वर्थ इट उसी पे होता है. गुड कॉलेज फॉर फेलोशिप इन इम्प्लांटोलॉजी, भाई चले जाओ, बिल्कुल चले जाओ, सविता चले जाओ. आपको लग रहा होगा कि मुझे सविता वालों ने पैसे दे दिए होंगे, सविता इज अ कॉलेज जो किसी को पैसा नहीं देता है, ठीक है, वो ऑलरेडी रैंक 1 पर है, वो बहुत अच्छा कॉलेज है, जस्ट गो फॉर इट.
उससे बेटर मिलेगा ही नहीं तुम्हें फेलोशिप करने के लिए। तो MDS के लिए भी वो अच्छा है। अगर मेरे पास मेरा बजट अगर होता ना 80 लाख 90 लाख या 1 करोड़ 1 CR का, मैं पक्का सविता जाता सब कुछ छोड़ करके, मुझे नहीं चाहिए फिर गवर्नमेंट कॉलेज। बट उतने पैसे ही नहीं है। सर कैन यू टेल अबाउट प्रोस्थो, व्हाई डू यू थिंक इट्स रियली गुड टू टेक प्रोस्थो? प्रोस्थो इज रियली गुड ब्रांच। प्रोस्थो को ऐसे नहीं कहा जाता कि इट्स अ किंग ऑफ डेंटिस्ट्री, डेंटिस्ट्री का किंग है वो। रीज़न ये है कि उसमें इम्प्लांट इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, CD, FPD, RPD में सब कुछ है उसमें। ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप नहीं कर सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर प्रोस्थोडोंटिक्स। और सबसे ज़्यादा SR की वैकेंसी भी इसी की आती है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। प्लस प्रोस्थो से करने के बाद बहुत सारे अलग अलग में जो डिपार्टमेंट है, जहाँ रिसर्च डिपार्टमेंट है, वहाँ भी आपको बुलाया जाता है। क्योंकि आपसे बेटर मटेरियल साइंस बहुत कम लोग जानते हैं, दो ही लोग जानते हैं। एक तो आप जानते हो क्योंकि आप DM एक्सपर्ट होते हो, और आप प्रोस्थो हो तो आप DM एक्सपर्ट हो डेंटल मटेरियल। और जिसको आप डेंटल मटेरियल बोल रहे हो ना, वो मटेरियल रॉकेट में भी यूज़ होता है, बहुत जगह पर यूज़ होता है मटेरियल, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत सारे स्कोप्स हो जाते हैं। अगर कभी इसरो का आप देखोगे वैकेंसी ना, इसरो का, नासा का, इन सब में आपको दिख जाएगा प्रोस्थो वाले लोग। प्रोस्थो वाले को बुलाते हैं ये लोग, वहाँ भी इनकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो इट्स रियली गुड, ऐसा नहीं है कि नहीं है। सर वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, माई सन गॉट 10,203 रैंक इन नीट, एनी चांस ऑफ गेटिंग सीट इन प्रोस्थो और इंडो इन कर्नाटका? ठीक है, ही विल बी प्रैक्टिसिंग, अच्छा, इन बेंगलोर, विच कॉलेज विल बी बेटर? देखिए सर, लेट मी टेल यू वन थिंग, ऑन दिस रैंक 10,230, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ सीट इन प्रोस्थो और इंडो, बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। बट यू कैन ट्राई इन मोपअप राउंड, स्टेट मोपअप राउंड, मे बी यू गेट अ सीट विच बिलोंग टू कैटेगरी सी एंड यू हैव टू पे 10 लाख रुपीज पर एनम। सर SRCIP के लिए तैयारी, अगर MDS में रेगुलर की, कौन से कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होती SRCIP के लिए। SRCIP इज कम्प्लीटली द थिंग, जो आप पढ़ाई कर रहे हो वही होता है, जिसमें आपने MDS किया होता है उसी से वो क्वेश्चन पूछते हैं। 8,000 रैंक कॉलेज फॉर ओरल सर्जरी, 8,000 रैंक है ओरल सर्जरी चाहिए, मैं कहता रहा मीनाक्षी अम्मा, यू कैन ट्राई फॉर मीनाक्षी अम्मा चेन्नई रामचंद्रा। सो आई थिंक और कोई भी क्वेश्चन नहीं है, और ठीक है। और जिन्होंने वो लिखा है ना अभी प्राइवेट कमेंट में कि सर आपकी गर्लफ्रेंड बड़ी क्यूट होगी, तो भाई जहाँ भी मिले जल्दी बताना मुझे प्लीज़, ठीक है। अब वेट नहीं हो रहा है मुझसे, फटाफट बताना मुझे कहाँ है, कौन है। और भाई तेरा अपॉइंटमेंट फ्री है, अपॉइंटमेंट फ्री, मन करे तो दुबे हुए का ट्रिप लगा लेना, वो भी मेरे साइड से फ्री, ठीक है। और जो तुमने लिखा है ना बहुत क्यूट है, तो भाई बताना कौन है, कहाँ है, ये जरूर मुझे बताना प्लीज़। सर रैंक इज 7,000 ओरल सर्जरी ब्रांच इन महाराष्ट्र, वेरी डिफिकल्ट टू गेट। 7,000 रैंक में महाराष्ट्र में ओरल सर्जरी, अच्छा कॉलेज नहीं मिल सकता। बेटर आप ऑल इंडिया के लिए ट्राई करो, ऑल इंडिया में आपको मिल जाएगा। सर इज देर एनी ऑल इंडिया एग्जाम फॉर GRCIP लाइक नीट? नो, GRCIP जो होता है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है आप पे, मतलब वो अलग अलग कॉलेज की वैकेंसी आती है। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल मौलाना आज़ाद का आया हुआ है, ठीक है, एक एक सीट है सब में, सारे डिपार्टमेंट में सिंगल सिंगल सीट्स हैं, तो वो अलग होता है, उसमें नहीं होता है। अभी GRCIP की वैकेंसी आई हुई है PDO की, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, मौलाना आजाद में है, सैलरी इज 1,80,000 पर मंथ। सर व्हाट हॉस्पिटल ऑफर SRCIP रेगुलरली? आपको सफदरगंज ऑफर करता है, आपको एम्स ऑफर करता है, आपको मौलाना आजाद ऑफर करता है, आपको BHU ऑफर करता है, आपको AMU करता है, किंग जॉर्ज करता है, मतलब KGMU करता है, GDC बॉम्बे करता है, नायर करता है, देन आपको साउथ में जाओगे तो GDC केरला में दो या तीन GDC वो सब करते हैं ऑफर। तो SRCIP का हर जगह सीट आता है, बस सीट बहुत कम होती है। कहने की बात ये होती है कि यहाँ पे सीट्स बहुत कम होती है, मतलब मुश्किल से आई थिंक एक सीट या दो सीट पर डिपार्टमेंट आता है इन एवरी वन और टू ईयर्स, एवरी ईयर तो नहीं आता है, एवरी टू ईयर्स में होता है, ठीक है। तो यू कैन ट्राई देयर, ऐसा नहीं कि आप ट्राई नहीं कर सकते। एक और मेल से मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन है रैंक इज 8,600, UP में कॉलेज चाहिए, कोई भी कॉलेज चलेगा, बस ओरल सर्जरी, तो फिर रामा ले लो, रामा डेंटल कॉलेज, इस रैंक पे आराम से मिल जाएगा, अच्छा है, ठीक है। सर व्हाट अबाउट इम्प्लांट फेलोशिप इन मणिपाल? देखो मणिपाल अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि अगर आप मणिपाल में 5 लाख रुपए दे रहे हो तो बेटर है
कि आप सविता चले जाओ चेन्नई, वो ज़्यादा बेटर है उससे। सर व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट प्रिपरेशन फॉर INICET अलॉन्ग विथ इंटर्नशिप? देखो इंटर्नशिप के साथ करना चाहते हो तो पहली बात, एक बात याद रखना, INICET और NEET MBS दोनों डिफरेंट है। INICET के साथ फ़ायदा ये है कि वो 80 से 85% क्वेश्चन, समटाइम 90% क्वेश्चन डेंटल सब्जेक्ट से पूछता है। तो जो आप इंटर्नशिप में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जा रहे हो, मतलब जो आप डेंटिस्ट्री में आपकी रोटेशनल इंटर्नशिप जो लग रही है, उन डिपार्टमेंट को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लो, INICET निकल जाएगा। SRCP का प्रोसेस क्या होता है, लाइक इंटरव्यू एंड एग्जाम? यस यस यस, इंटरव्यू एंड एग्जाम ही होता है और कुछ भी नहीं। सर इंडो प्रोस्तो इफ प्लानिंग फॉर अ गुड ऑल ओवर क्लिनिकल प्रैक्टिस, विच वन कवर मेजोरिटी ऑफ द क्लिनिकल वर्क विथ लिमिटेड कंसल्टेंस इन डॉक्टर? प्रोस्तो UPPCS डेंटल का फॉर्म कब आएगा? मेरे पास इसकी कोई भी जानकारी फिलहाल नहीं है, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है तो कहना मुश्किल है। चंद्रा डेंटल कॉलेज का इंडो कैसा है? रियली गुड, यू कैन ज्वाइन। चंद्रा और ITS गाजियाबाद, देन ITS गाजियाबाद ज्वाइन कर लो, फिर चंद्रा नहीं। MS इम्प्लांटोलॉजी इन सविता सर, इट्स रियली गुड, ज्वाइन इट। ITS गाजियाबाद प्रोस्तो, वो भी अच्छा है, वो भी ले सकते हो, बस ओरल सर्जरी मत लेना वहाँ से, बाकी आप जो भी ब्रांच चाहते हो ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी लाइव, एंड जो लोग भी मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, मतलब डायरेक्टली ऑन कॉल, तो ठीक है, यू कैन टॉक टू मी, जस्ट बुक माई अपॉइंटमेंट, वी कैन टॉक। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, फिर से याद दिला दे रहा हूँ, वो जो थे ना जिन्होंने लिखा था आपकी गर्लफ्रेंड बहुत क्यूट है, तो भाई ढूंढ के ला दो और जो चाहिए मिल जाएगा, ठीक है? चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।